एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप लोग क्लास 6th, 7th, 8th, ठीक है, इनकी भी वीडियोस को देखना, ताकि एग्जाम जो है वो आपका अच्छे से जा सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, इन द क्लासरूम टीचर हैज शोन द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो टू द स्टूडेंट एंड एक्सप्लेन्ड दैट इट इज ऑफन यूज्ड इन सबमरीन। तो टीचर ने ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया, कहा कि ये सबमरीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये है पेरिस्कोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द पार्ट ह्यूमन आई ऑन विच द इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो इमेजेस जो है ह्यूमन आई के कौन से पार्ट में बनती है? तो आंसर है रेटिना, ठीक है, रेटिना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सिमरन अरेंज टू प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू वन अनदर, ठीक है। तो राइट एंगल में उसने दो मिरर लगाया और बीच में एक कॉइन रख दिया, ठीक है। डिटरमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी इमेजेस आर ऑब्जर्व्ड बाय सिमरन। तो कितने इमेजेस बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? 360, ठीक है, उसको एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना रहा है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 90 लिख दोगे और इसको 1 माइनस कर दोगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 4 36, अब 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो 3 इमेजेस जो है वो बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन फिगर गिवन बिलो इफ एंगल ए इज 40 डिग्री, अगर एंगल ए जो है वो 40 डिग्री का है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो ये वाली लाइन जो है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, और जो ये सेकेंड वाली लाइन है ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसके अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का हुआ, तो टोटल कितने डिग्री का बन गया, 80 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है, मंजीत वेंट टू डेंटिस्ट फॉर हिज डेंटल चेकअप। तो मंजीत डेंटल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाता है, वहां पर वो एक स्पेशल तरीके का डिवाइस यूज करते हैं दांतों को चेक करने के लिए। तो आप बताएं कि डेंटिस्ट ने इनमें से कौन सा चीज जो है वो इस्तेमाल किया? तो आंसर है कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वो मैग्निफाई कर देता है चीजों को बेसिकली बड़ा दिखाएगा, जिसको कि हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो टीथ में जो कैविटी वगैरह होगी वो हमें क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th है, फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन साइंस लेबोरेटरी टीचर वॉन्ट्स टू प्रिपेयर एन एसिड सॉल्यूशन। तो साइंस लेबोरेटरी में टीचर जो है वो एसिड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि करेक्ट मेथड इसमें से क्या होगा एसिड सॉल्यूशन बनाने का। तो कौन सा होगा? एडिंग वॉटर टू एसिड, तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा जिससे ग्लास जो है वो फट सकता है ना। एडिंग एसिड टू वॉटर, वॉटर के अंदर एसिड डालोगे तो ये करेक्ट मेथड है, ठीक है, यानी कि पानी विच तेजाब मिलाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर एक्सप्लेन इन क्लास दैट इन ऑर्डर टू चेक द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस लिटमस इज यूज्ड। तो एसिड और बेस का अगर हमें नेचर पता करना है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो हमें लिटमस पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिटमस इज प्रिपेयर, तो लिटमस किस चीज से बनाया जाता है? आंसर है लिचिंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ऑन एडिंग फिनोलेफ्थीन इंडिकेटर टू अ सॉल्यूशन नो चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व। तो कोई कलर में चेंज नहीं आया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या रहा होगा जो कि हमने जो है वो फिनोलेफ्थीन इंडिकेटर के अंदर जो है वो डाला है? तो आंसर है एसिडिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू 7, यानी कि 7 दे बराबर। क्वेश्चन नंबर 10th है, इन अ क्लास टीचर इंस्ट्रक्टेड हिज स्टूडेंट टू पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ विनेगर सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर पे 2 से 3 ड्रॉप विनेगर सॉल्यूशन की डाली गई, ठीक है। आज द स्टूडेंट अबाउट द चेंज ऑफ कलर ऑफ लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हुआ होगा, है ना। तो आंसर क्या है? तो देखो यहाँ पे पंजाबी मीडियम में बताया हुआ है कि नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर है ये। तो ब्लू लिटमस पेपर पे जब विनेगर सॉल्यूशन डाला जाएगा तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यानी कि लाल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th है, इन फिगर गिवन बिलो मैग्नेट ए एंड बी विल, तो मैग्नेट ए और मैग्नेट बी जो है वो क्या करेंगे? तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे,
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना, ठीक है, एक मतलब कि एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नेट का इस्तेमाल किस चीज को अलग करने के लिए किया जा सकता है? टू सेपरेट द पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम द सैंड पाइल, यानी कि रेत दे ढेर विचो लोहे दे टुकड़े अलग करन लई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का मतलब कि कैसे पता चलेगा? तो रिपल्शन के थ्रू पता चलेगा, ठीक है, यानी कि अपकर्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मीनाक्षी वांट्स टू प्रिपेयर अ मैग्नेट फ्रॉम आयरन नीडल, तो आयरन नीडल से वो मैग्नेट बनाना चाहती है, तो इसलिए वो जो है मैग्नेट उसके ऊपर रब कर रही है ताकि वो मैग्नेटाइज हो जाए जो नीडल है, ठीक है, तो उसे किस तरीके से वो करना पड़ेगा, तो उसे एक डायरेक्शन में इसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो ए टू, ये ए और ये बी है, तो चाहे वो ए टू बी मूव कर ले उसे या बी टू ए मूव कर ले, ठीक है, तो ए टू बी और बी टू ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डज द आयरन फिलिंग स्टिक्स मोर, तो मतलब कि जो चुंबक है, ठीक है, उसके कौन से पार्ट में जो लोहा है वो सबसे ज्यादा चिपकेगा, तो एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, ठीक है, उस पे जो है वो ज्यादा चिपकेगा, ठीक है, यानी कि चुंबक दे ध्रुव होते, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।